यहाँ पे होने वाली आज पूजा। ये ताऊ जी, चाचा, बुबू वो लोग बैठे हुए हैं, और जो ये घास दिख रही है ये बहुत गर्म होती है, इसको पराव बोलते हैं हमारे। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल किरण कोरंगा ब्लॉग। सो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, आप पिछले ब्लॉग में देख रहे होंगे कि मैं मायके आई हुई हूँ अपने घर। तो आज ना मेरे दादाजी की पूजा है। दादा और दादी जी की पूजा है, तो वो इस दुनिया में है नहीं, तो हम लोग उन लोगों के लिए पूजा करवा रहे हैं। पंडित जी वगैरह आने वाले हैं। सुबह से हम काम पे ही लगे हुए हैं और मुझे ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ, और ये नियान तो बिल्कुल भी कुछ करने नहीं देता। तो अभी वही तैयारी चल रही है, मैं दिखाती हूँ हम लोगों ने क्या क्या तैयारी की हुई है। मैं 6 बजे से ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी हम लोग सब्जी वगैरह बना रहे हैं। पंडित जी वगैरह आ चुके हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि आज हमारे घर में पूजा है, तो ताई जी, बुआ लोग, सब लोग आ गए, अम्मा लोग। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, और यहाँ आप देख सकते हो पीछे सब्जी बन रही है मेरी। मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो आप देख सकते हो, नियान भी परेशान कर रहा है मुझे यहाँ पे, ये मेरा बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ता आपको, जैसे कि पता ही होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ से टीका लगाया है, तो हमारे कुमाऊं में ना यहीं से टीका लगता है। वैसे तो नाक से लगता है, पर आजकल हम लोग नाक से लगाते नहीं, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि आजकल के हिसाब से, तो हम लोगों ने यहाँ से लगाया हुआ है। तो मैं आपको अम्मा ताई जी उन लोगों से मिलाती हूँ, और उन लोगों ने पूरा यहीं से लगा रखा टीका, तो आप देख सकते हैं। हमारी अम्मा जी मेरी अम्मा की बहन है, तो ये भी मेरी अम्मा हुई। ये है ताई जी, और मेरी चाची है बबीता चाची। हाय, तो करो बबीता चाची, सब्जी देख रही है वहाँ पे, आग में भी सब्जी बन रही है। और ये है अम्मा, ये नियान, और मम्मी भी है यहीं पे। नियान ने सुसु कर दिए, तो उसके कपड़े चेंज कर रहे हैं लोग। और ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी बहना दिव्यांशी, और ये मैं मेरी दादी। तो अभी यहाँ पे सब्जी बन रही है, तो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ कि हमारा मंदिर कैसा डेकोरेट हुआ है। ये रहा हमारा मंदिर वाला रूम, आप देख सकते हो इतने अच्छे से डेकोरेट किया है इस मंदिर को, और ऊपर भी आप देख सकते हो। तो यहीं पे होगी पूजा। तो हमारे पंडित जी आ गए थे, तो अभी बैठे हुए हैं, और ये भी दादी की बहन है, ये भी दादी भी हमारी। मैंने आपको अपना मंदिर वाला रूम भी दिखा दिया है, और मैंने स्कार्फ डाला हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। और आप देख सकते हैं हमारा आटा भी गूंथ चुका है ये, और सामने ये तवा भी रख दिया। रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। चाची ने डालना स्टार्ट कर दिया रोटी। आज ज्यादा आटा है, मतलब हम सारे लोग हैं, दो फैमिली है हम, तो हम लोगों का खाना एक साथ बन रहा है, तो आज चूल्हे में ही बनाएंगे क्योंकि चूल्हे में जल्दी भी बन जाता है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है आज रोटी बनने में। यहाँ पे अम्मा जी की ये तबीयत खराब होने लग गई है, बोल रही हैं ये, और चाय पी रही हैं अभी साइड पे बैठ के। मेरी बुआ और बुआ ने खाना खा लिया गरम गरम, अब हम लोग भी खाते हैं, फिर मिलते हैं। अभी बज चुके हैं रात के 12, और पूजा वगैरह हो चुकी है, और अभी अम्मा उन लोगों ने ना पुए बनाए हैं, और ये प्रसाद के तौर पे बनाया है, ये सबको देने हैं अभी। तो एक बार सबको, हाँ, ये आधे आधे किए हुए हैं क्योंकि कम थे ये, तो बहुत सारे लोग थे, तो सबको होना चाहिए ये, तो बांट देते हैं इनको। हे गाइज, गुड मॉर्निंग। तो गाइज, मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग से ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 10, और मेरा नाश्ता वगैरह बन चुका है, और आज आई हैं दीदी, यानी कि मेरी नंद, नियान की बुआ, और आज नाश्ते में बनाया है हमने आलू का पराठा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये, और दही, अभी खाते हैं इसको, फिर मिलते हैं आपसे। गाइज, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है, और दीदी भी चली गई अपने यहाँ पे। आज भी हमारे यहाँ पे पूजा है, जितने भी हमारी फैमिली है ना, तो उन सब की पूजा है आज यहाँ पे। तो उसको शायद बोलते हैं क्या, घनाली बोलते हैं हमारे कुमाऊं में, तो आज वो हम सारे फैमिली की, और नियान हाय बोल रहे, हाय कर दो, हाय करो, हेलो बोलो, हेलो। और अभी मैं जा रही हूँ अपने चाचू के घर पे, क्योंकि उन्होंने ना नया रूम बनाया है, किचन बनाया है, तो वो वहाँ पे ना थोड़ा सा पार्ट वाट हो रहा है, तो दादी बुला रही है, तो मैं नियान को लेके चलती हूँ। वो दिव्यांशी खड़ी हो रखी है अपनी छत पे। तो ये रहा जो रूम बनाया हुआ अभी चाचू उन लोगों ने।
वो है दिव्यांशी। दिव्यांशी आजा आजा। पत्ती पता नहीं किस चीज के लिए लगाते हैं ये, पंडित जी बोल रहे हैं कि गेट के यहाँ पे पत्ती लगाने के लिए। हमारा टीका भी लग चुका है यहाँ पे, नियान का, मेरा, दिव्यांशी का, अम्मा का, पाठ वगैरह भी हो चुका है। अभी मैं सामने जा रही हूँ दादी के यहाँ पे, वो लाई की सब्जी दे रही है मुझे, फिर मैं लाई वाली कड़ी बनाऊंगी आज। आप देख सकते हैं दादी आ रही है मुझे लाई देने, तो ले लेते हैं इनसे। तो ये दादी ने मुझे लाई दे दिए हैं, अभी इसको अच्छे से धोना है, उसके बाद इसको काटेंगे, फिर हम इसको बनाएंगे। नल पे ही जा रही हूँ, इसको नल पे वॉश करूँगी, धो लूँगी अच्छे से, फिर इसको ऊपर लेके जाऊँगी घर पे। तो ये हमारा नल है यहाँ पे, तो इसको एक बार धो लेते हैं। तो मैंने लाई भी धो लिया। आप देख सकते हो मैंने एक छोटी सी बकरी को पकड़ा हुआ है और ये भागने की बहुत कोशिश कर रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ। हाय करो, हाय मम्मा। डर लग रहा है मुझे कि भाग ना जाए, और भागेगी तो इसको चोट भी लग सकती है ना, नीचे गिरेगी। तो ये मैं शाम के 5 बजे से वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार जहाँ पे हमारी पूजा होने वाली है आज, तो ले चलते हैं आपको।
तो ये जो लकड़ियां हैं इसी से आज मतलब पूरी रात ये धुनी जलती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जल रही है, तो पूरी रात जलना होता है, इसको बंद नहीं करते हैं। ये है दिव्यांशी, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं और यहीं पे पूजा होने वाली है आज। तो यहाँ पे होने वाली आज पूजा, ये ताऊजी चाचा बुबू वो लोग बैठे हुए हैं, और जो ये घास दिख रही है ये बहुत गर्म होती है, इसको पराव बोलते हैं हमारे कुमाऊं में, तो इसी में सब लोग बैठेंगे। सो गाइज, मैंने मंदिर तो आपको दिखा दिया है कि कहाँ पे आज पूजा होने वाली है, तो मतलब पूजा होती है रात को, देवता वगैरह आता है हमारे यहाँ पे, तो वो दिखाना अलाउड नहीं होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं किरण मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, बाय गाइस, टेक केयर।